हाँ जी, बिस्मिल्लाह रखना रहिए। अच्छा, हम लोग जो है CSS कर रहे थे, तो आज कुछ उसकी और चीज़ें देख लेते हैं हम। अच्छा, लॉगिन पेज वगैरह इम्प्लीमेंट किया है कुछ? हेडर वगैरह CSS में कुछ ऐसा? किया इम्प्लीमेंट मेरा भी हो गया तो था। समझ आ गई है कि हम आगे यानी चल सकते हैं ना आगे, जी। क्योंकि हम ये सारा कुछ दोबारा भी देखेंगे और दोबारा ओब्वियसली ज्यादा डेप्थ में हम जाएंगे। अभी हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम जो है ना इसको कवर अप कर लें। अच्छा, तो CSS में जो है यानी कि हमने ये देख लिया था कि इस तरह करके जो है ना हम स्टाइल के अंदर अपनी CSS अप्लाई करते हैं, जिस तरह मैंने ये इस डिव के अंदर, इस टैब के अंदर ये जो है ये इस पे CSS अप्लाई की है, और इसको अगर मैं यहाँ पे इसकी आउटपुट देखूँ तो कुछ इस तरह की इसकी आउटपुट आ रही है। ठीक है, अब अगर गौर करो तो इधर मेरे पास एक और पेज भी है। ठीक है, अब इस पेज पे भी जो है ना मैं सेम यही कोड कर देता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल एस किया, इधर आया मैं। एक मेरे पास ये पेज है जो 1 के साथ है और एक ये पेज है जो विदाउट 1 है। तो आप देखोगे कि इस पे जो हमारे जो स्टाइल थे ना वो इस पे अप्लाई नहीं हुए। ऑब्वियसली आप लोगों को रीजन तो पता चल गई होगी क्यों नहीं अप्लाई हुए, क्योंकि हमने ये जो स्टाइल है, ये जो ये स्टाइल इंप्लीमेंट किया हुआ है वो किस पेज के अंदर किया हुआ है? वो इस पेज के अंदर किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाले जो स्टाइल है वो इधर ही इम्प्लीमेंट हुए। अगर ये सेम स्टाइल हम वहां पे भी अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ऑब्वियसली सेम चीज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस हिसाब से जो है ना यानी कि स्टाइल यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। लेकिन अगेन मेरी उस वाली बात को दोबारा माइंड में लेके आओ कि हमने रेपिटेशन किसी भी केस में नहीं करनी। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास रिपीट हो गया कि भाई ये चीज भी सेम आ गई है इधर और इस पेज पे भी सेम आ गई है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताया है कि 1000 तक पेजेस भी जाते हैं। इवन कि हम अभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे उसमें भी हमारे पेजेस को मोर देन 50 या 100 के टच तो करेंगे पेजेस एक प्रोजेक्ट के। तो जब अगर हम इस तरह स्टाइल इम्प्लीमेंट करने बैठ गए कि हर पेज पे हमने उसका स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑब्वियसली वो चीज भी, एक तो चीज ये कि वो रिपीट हो रही है, दूसरी ये चीज कि लॉट ऑफ कोड जो है ना हमें दोबारा लिखना पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो हमने कहा था, हमने दो चीजें अभी देखी थी। एक हमने देखी थी इनलाइन स्टाइल, और ये वाला देखा था हमने इंटरनल स्टाइल या यानी कि पेज लेवल स्टाइल, जो भी यानी कि इसको आपने कहना हो। ठीक है, तो ये हमने देखा है। अब पेज लेवल स्टाइल का यही नुकसान होता है कि वो सिर्फ उस पेज तक महदूद होता है। वो जो स्टाइल है वो हमारा कोई दूसरा पेज बनेगा तो उसके लिए अगर उस पे भी अप्लाई करना है तो सेम हमें यही काम करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे किया है। अब अगर हमने ये 50 पेजेस पे किया है तो 50 पेजेस के बाद हमारा क्लाइंट कहता है कि नहीं यार, ये कलर जो है ना आप ये यहाँ से चेंज कर दो, इसको येलो में ले आओ हेडिंग को। ठीक है, यहाँ से इटैलिक की जगह अंडरलाइन कर दो, यहाँ से जो फाउंड फैमिली है वो चेंज कर दो। ठीक है, जब ये चीजें चेंजिंग आएंगी तो ऑब्वियसली जितनी जगह पे ये है उतनी जगह पे हमें दोबारा ये चेंज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये बेटर सोल्यूशन नहीं है। मैंने जो आपको बात कही हुई कि एक चीज भी पूरी एप्लीकेशन में एक चीज भी अगर दूसरी बार आ रही है ना वो कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो C# में हो चाहे वो SQL में हो। यानी कि एक सिलेक्ट की क्यूरी अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो समझ लो आपके कोड में कोई फ्लॉ है। वही सिलेक्ट की क्यूरी को आप किसी ऐसी तरह ऐसी जगह रखो जहां पे वो दोनों जगह एक्सेसिबल हो। एक फंक्शन अगर आपके पास पूरे प्रोजेक्ट में 2 बार रिपीट हो रहा है तो समझ लो आपके प्रोजेक्ट में कोई फ्लॉ है। सेम फंक्शन को कुछ इस तरह आप यूज करो कि वो सेम फंक्शन रहे मगर 2 जगह कॉल हो जाए। सेम इसी तरह हम इसमें भी काम करते हैं। जो इसमें जो थर्ड अप्रोच हम देखते हैं उसको हम कहते हैं ये एक्सटर्नल स्टाइल।
ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई बजाय इसके कि आप पेज लेवल पे स्टाइल दो ना, मुझे एक्सटर्नली डिफाइन कर दो ये स्टाइल। और एक्सटर्नली डिफाइन करने का मतलब ये नाम से पता लग रहा है कि ऑब्वियसली नॉट इन विद इन पेज, ठीक है, समवेयर एल्स। तो इसका मतलब है कि भाई इसका जो ये जो अब एक्सटर्नल हम करने लगे हैं, एक तो ये है कि ये पेज लेवल पे नहीं रहेगी, यानी कि पेज पे नहीं होगी, तो अब समवेयर एल्स कहाँ होगी वो हम पे डिपेंड करता है, हम कहीं पे भी उसे रख सकते हैं। मीन टू से कि मैं मुबीन के सिस्टम पे रख सकता हूँ, मुबीन के सिस्टम को पब्लिकली अगर एसेस है, वो वाला पाथ जो मुबीन के सिस्टम पे जिस लोकेशन पे वो फाइल पड़ी भी है उसको यहाँ पे एसेस कर लूंगा, या मैं अपने सिस्टम पे रख सकता हूँ, अपने सिस्टम पे जो जिस जगह पे ये फाइल पड़ी भी है वहां पे यहाँ पे उसका वो मैं पाथ दे दूंगा, ठीक है। यानी कि जिधर भी आपने वो फाइल रखनी है सिर्फ उसका पाथ आपने इधर देना है, ये वाली ये यानी कि जो स्टाइल ये इस यानी कि इस H1 का जो स्टाइल है वो स्टाइल के टैग से उठा रहा है, वो H1 का जो स्टाइल है वो उस फाइल से उठाएगा जो लोकेशन आप यहाँ पे दे दोगे, यहाँ पे इस जगह पे दे दोगे। अब हम वो करके देखते हैं, अभी फिलहाल मैं यहीं पे वो फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल की जो यूजली एक्सटेंशन होती है ना वो CSS होती है, ठीक है, मैं इसे कहता हूँ कस्टम डॉट CSS, इंटर। ये वो फाइल बन गई है, ठीक है। अब इस फाइल की रिक्वायरमेंट क्या है कि ये फाइल कहती है कि क्योंकि मैं अपने अंदर स्टाइल इंप्लीमेंट करूंगी, मेरे अंदर जितनी भी चीजों की वो स्टाइल से रिलेटेड हो, तो आपको जो है ना मुझे ये स्टाइल का जो टैग है ना ये देने की जरूरत नहीं है, जो कि हम उसमें देते हैं, ठीक है। इधर उसने एरर भी दे दिया, वो कहता है कि भाई अज्यूम कर लो कि आप स्टाइल के अंदर ही हो, ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे स्टाइल का टैग नहीं देना, मुझे वो बात बतानी है जो स्टाइल के अंदर आप लोगों ने बताई हुई है। अब देखो इस पे इसने किसी पे चीज पे एरर दिया, यानी कि वो काम जो आप लोगों ने अभी तक 3-4 दिन से सिर्फ स्टाइल के अंदर किया था, सेम वो काम आपने यहाँ पे करना है। कौन सी फाइल के अंदर? जिस फाइल की एक्सटेंशन है डॉट CSS, इसके अंदर स्टाइल का टैग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर किसी किस्म का जो टैग होता है कि भाई बॉडी के अंदर लगाओ या हेड के अंदर लगाओ या HTML के अंदर लगाओ, वो लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगा इसे कि भाई मेरे अंदर जितनी भी चीजें डिफाइन होंगी वो स्टाइल ही हो। अब इस फाइल को मैंने सेव कर दिया है, अब दूसरी एक चीज आ गई है कि इसको लिंक कैसे करना है इस फाइल के अंदर, यानी कि ये वाली जो फाइल है ये स्टाइल तो बन गया, इसको लिंक कैसे करना है। अब ये सिंटेक्स मुझे भी अभी मीटिंग शुरू होने से पहले तक मुझे भी भूला हुआ था कि कैसे करना है, क्योंकि मैं काम नहीं करता इस पे, लेकिन बस चीजों का पता होना चाहिए, ये सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मैंने सिंपल यहाँ से आप लोगों से पहले ही जो है ये एक सर्च कर लिया था, वो ये कहता है कि ये वाला जो है ना आप टैग यूज कर लो, जो कि क्या टैग है, लिंक का टैग है। मैंने इस टैग को कॉपी किया, लिंक ये एक टैब है, वो कहता है कि भाई रियल आपने इधर स्टाइल शीट देना है, CSS का एब्रीवेशन भी यही था कैस्केड स्टाइल शीट, आपने बताना है कि भाई कौन सी फाइल आप लिंक करने जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमसे टाइप बता दी, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप होती है, ये देखो अब मुझे एब्रीवेशन भी नहीं याद आ रही, स्क्रिप्ट फाइल शायद इसके अंदर, खैर यानी कि डिफरेंट किस्म की फाइल आप लिंक कर सकते हो जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है। अभी खैर मैं वही स्टाइल शीट वापस कर देता हूँ। अच्छा ये जो HREF है ना, ये वो पाथ है जिधर से आपकी फाइल असेस होगी। अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि अगर आपकी फाइल असेस आपके सिस्टम से होगी तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम का पाथ होगा, अगर किसी ऐसे सिस्टम से हो रही है जो कि एक्सटर्नल है तो वो यानी कि एक्सटर्नल सिस्टम का पाथ होगा, ठीक है, लेकिन वो सिस्टम की एसेस होनी चाहिए हमें, वो चीज देना अभी हम देख भी लेते हैं। अब जिस तरह इस फाइल को मैंने पाथ देना है, क्योंकि ये फाइल मैंने यहीं पे क्रिएट की है तो कंट्रोल स्पेस किया, ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गई है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे और फाइल भी शो हो रही है, तो मैंने इस फाइल को लिंक करना है, ठीक है, इस फाइल को मैंने लिंक कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया,
इसका भी मैंने स्टाइल यहाँ से खत्म कर दिया, इसको भी कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं जाके रिजल्ट देखता हूँ। ये मेरा पेज वन है, इस पे मेरे पास कोई स्टाइल नहीं आया और इस पे मेरे पास स्टाइल आ गया। और ये स्टाइल अब कहाँ से आ रहा है? ये स्टाइल आ रहा है इस फाइल से। क्यों आ रहा है इस फाइल से? क्योंकि ये फाइल लिंक कर दिया हमने इस पेज के साथ। ठीक है, इस पे क्यों नहीं आया? क्योंकि ये फाइल अभी तक हमने इसके पेज के साथ लिंक ही नहीं की। तो अब एक एक ही जगह वो चीज इंप्लीमेंट हुई है। सिर्फ फाइल लिंकिंग की बेस पे हम जो है अपनी सीएसएस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तरीका इसका ये भी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन विजुअल स्टूडियो पे आप करोगे ना, क्योंकि हम अपना काम ज्यादा विजुअल स्टूडियो पे ही करेंगे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने से भी ना वो उसका पाथ ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट कर देता है। तो यहाँ पे हम फिर लगा लेते हैं लिंक का टैग। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे वो स्टाइल अप्लाई होगी। ये हमारी एक्सटर्नल फाइल थी। ठीक है, अब इसमें एक क्यूरी है। मैं ये कहता हूं, इसे मैं वापस कंट्रोल सी करके, कंट्रोल जी, ये चीज थोड़ी समझने वाली है। ठीक है, अब ये मैंने देखो यहाँ पे लिंक भी कर दिया और यहाँ पे मैंने स्टाइल भी दे दिया है, लेकिन इस स्टाइल को ना मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी ऐसे रहा। मैंने इसे सेव किया, HTML1 पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये देखो इसके कलर ब्लू हो गए। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास जो एक्सटर्नल फाइल है वो भी लोड हुई भी और स्टाइल भी लोड हुआ हुआ है, तो ये किसको लेगा? स्टाइल को लेगा। लेकिन यही चीज अगर आपके पास इधर स्टाइल में इंप्लीमेंट हुई भी और इधर मैं कलर इंप्लीमेंट कर देता हूं ब्राउन, आप देखना ठीक हो गया। यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या चीज है? इनलाइन स्टाइल। अगर वो आ गया तो उसके ऊपर कोई यानी कि इंटरनल स्टाइल अप्लाई हुआ हो या एक्सटर्नल फाइल यूज हुई हो, वो किसको प्रायोरिटी देगा? इसको प्रायोरिटी देगा। अगर ये नहीं है और सिर्फ लिंक और स्टाइल है तो किसको प्रायोरिटी देगा? वो स्टाइल को प्रायोरिटी देगा, अदरवाइज वो फाइल को तो दे ही रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, ये चीज मेरी गलती भी हो सकती है, पहले मुझे एक बार चेक कर लेने दो। हाँ देखो, अभी उसने ब्राउन किया हुआ था, इसको प्रायोरिटी दी हुई थी, लेकिन मैं अपनी मर्जी से चाह रहा हूं कि भाई सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है ना वो इसे ही मिले, बेशक इसके पास इनलाइन स्टाइल भी आ जाए। तो मैंने क्या किया, यहां पे इंपॉर्टेंट लिख दिया, इस साइन के साथ इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब है कि अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसे मिलेगी, चाहे जो है वो लिंक की फाइल में भी आ रहा हो, चाहे वो स्टाइल में भी आ रहा हो। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए यूज होता है बस। ठीक है, क्या हो अगर मैं यही इंपॉर्टेंट अपनी इस क्लास पे दे दूं? तो वहां पे वो अप्लाई नहीं हुआ। मैंने ये इस पे किया। हाँ नहीं, एक मिनट, इसे एस सेव। ठीक है, यानी कि जिधर इंपॉर्टेंट होगा तो वहां पे उस चीज को वो प्रायोरिटी दे देगा। यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनलाइन की है, उसके बाद इंटरनल की है, उसके बाद एक्सटर्नल की है। लेकिन अगर इनमें से किसी के साथ भी इंपॉर्टेंट आ गया तो वो क्या करेगा, वो जिस पे इंपॉर्टेंट आया, चाहे वो एक्सटर्नल है, चाहे वो इंटरनल है और चाहे वो इनलाइन है, वो उसको प्रायोरिटी देगा।
अच्छा यहाँ पे मुझे अभी ये चीज इम्प्लीमेंट किया तो मुझे एक और चीज समझ आई, क्या हो अगर इम्पोर्टेंट इस पे भी हो, अगर इम्पोर्टेंट इस पे भी हो और इम्पोर्टेंट इस पे भी हो, ठीक है, तो अगेन ये वही अपनी हायरार्की को करेगा, ठीक है, ये देखो सही हो गया, यानी कि अगर बगैर इंपॉर्टेंट की चीजें आ रही हैं सारी तो वो हायरार्की से इंपॉर्टेंट वाले को प्रायोरिटी देगा, अगर उसमें से दो चीजें भी इंपॉर्टेंट वाली आ गई हैं, अब जिस तरह मैं इसे रिमूव करता हूं तो अब इंपॉर्टेंट किसमें है, अब इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में से प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, इसकी है, तो ये वाला कलर वो शो करेगा, ठीक है, तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा यूज होता है, लोग यूज करते हैं ऐसे, लेकिन हम नहीं इतना यूज करेंगे क्योंकि जब हम हायरार्की में चल रहे होते हैं ना तो कह लो कि हमें सारी चीजों का पता होता है कि किसको कौन सा कलर देना है, तो इसलिए हम इतना यूज नहीं करते, लेकिन जो सीएस जो होते हैं ना फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि भाई वो समझ नहीं आ रही होती है कि ये वाला कलर कहाँ से आ रहा है, किस सीएसएस से आ रहा है या किस फाइल से आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उस स्टाइल पे जाके ना वो वाला कलर दे के उसे इम्पोर्टेंट कर देते हैं, ठीक हो गई बात। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, अब ये देखो यहाँ पे ना इसने कुछ बताया है मुझे, कह रहा है कि आपकी ना कस्टम डॉट सी एस एस अप्लाई हुई भी है लेकिन वो अप्लाई नहीं हुई, किस वजह से नहीं हुई, क्योंकि वो ये अप्लाई हो गई है, क्योंकि इन इन दो प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर दिया है इस वाली ने, क्यों, क्योंकि ये स्टाइल के अंदर थी, ये देखो ये इस फाइल के अंदर लिखी हुई है, सेम इसी का अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं, तो इसमें देखो कोई कुछ भी ओवरराइड नहीं हुआ हुआ, ठीक है, और यहां से हम चीज को चेक कर सकते, मैं कहता हूं नहीं है, अगर एज्यूम करता हूं कि ओवरराइड ये वाला कलर नहीं होता तो क्या होता, ये देखो ये क्रॉस हो गया, ये वाला फिर इस पे चलेगा, मैं कहता हूँ नहीं ये वाला कलर ही आ जाए तो ये वाला आ जाएगा। अच्छा अब एक और चीज, आपकी फाइल जो है वो सही तरह लोड हुई है कि नहीं हुई, उसको भी हम चेक कर सकते हैं, आपकी फाइल को लोड होना बहुत जरूरी है, अब देखो मैं इसके ऊपर माउस लेके आया हूं ना, तो ये मुझे बता रहा है कि ये फाइल वो कहाँ से लोड कर रहा है, ठीक है, और इस फाइल पे मैं अगर क्लिक करूंगा, देखो उसने फाइल भी ओपन कर दी कि भाई आपकी फाइल में ये कोड हुआ हुआ इसमें, ठीक है, तो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट का टूल जो है बहुत अच्छा टूल है, आप लोग इसे यानी कि हैबिट बनाओ इसकी ज्यादा से ज्यादा यूज करने की, और ये हर लाइन को इस तरह करके जो है ना फोकस करके आप किसी भी चीज का एरर जो है ना वो आप देख सकते हो। अब देखो ये जो H1 की डिफॉल्ट सेटिंग ये सेट हुई हुई है, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने लिहाज से, तो ये जो है ना यानी कि था एक्सटर्नल फाइल का, इसमें कोई चीज अगर क्यूरी है तो वो पूछ लो, वो नाम CDN की तरफ जाते हैं फिर, अच्छा अब हम CDN की तरफ जाते हैं, अच्छा CDN का मुझे एब्रीवेशन नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये देख लेते हैं हम यहाँ से, खैर इसका मुझे एब्रीवेशन नहीं पता कि CDN का एब्रीवेशन क्या होता है, ये देख लेना आप लोग खुद। अच्छा CDN अब होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि CSS पे इतना काम हो चुका हुआ है और अभी भी मजीद हो रहा है इस पे काम, और कौन लोग इस पे काम कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह मैं अपने आप को समझता हूँ कि भाई मैं अच्छा डिजाइनर हूँ, मैं अच्छा थीम लिख सकता हूँ, मैं किसी भी चीज के जो कलर है कॉम्बिनेशन उनको अच्छा दे सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ एक थीम इम्प्लीमेंट कर देता हूँ CSS का,
और वो जो थीम है ना, वो फिर मैं किसी को भी सेल आउट कर सकता हूँ, यानी कि अपना थीम किसी को दिखाऊंगा कि भाई ये थीम है, इसकी पूरी सीएसएस मेरे पास है, आप जो है ना इसे यूज करो, तो इतने में मैं आपको ये सेल करूंगा। और इसके अलावा कितनी फ्रीलांसिंग की ऐसी साइड है, उस पर अक्सर जो यानी कि कह लो कि फ्रंट एंड के जो डेवलपर बैठे होते हैं वो मेजर काम यही वाला कर रहे होते हैं, और कंपनीज ये वाला काम करवा भी रही होती है। देखो क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि मेरी जो साइट है या मेरी जो वेब एप्लीकेशन है वो यूनिक हो, ठीक है। चलो अगर यूनिक नहीं भी चाहती, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी ओपन की है, मेरी जो कंपनी का थीम है ना वो ब्राउन है, अब मुझे मैंने बहुत सर्च कर लिया, मुझे उस ब्राउन कलर के रिलेटेड कोई वेब एप्लीकेशन मिल ही नहीं रही, तो मैं क्या जाता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग की साइट्स पे जाता हूँ, वहां पे किसी ना किसी डेवलपर को हायर करता हूँ या उससे यानी कि चैट अपनी करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे तो ब्लू थीम में जो है ना, सॉरी ब्राउन थीम में जो है ना, यानी कि कोई सीएसएस दे दे बना के, तो वो यही काम करते हैं, वो सिर्फ ये एक फाइल देते हैं, कौन सी वाली, ये वाली फाइल, वो इस फाइल का कोई नाम दे देगा ब्राउन थीम, या मेरी कंपनी का नाम दे देगा, यानी कि कंपनी नेम अंडरस्कोर ब्राउन डॉट सी एस एस, इस तरह करके वो कोई भी नाम दे देगा, इधर जहाँ पे जो है ना वो सारा अपना डिटेल लिख देगा कि भाई जब वो बटन बनाए तो उसका कलर ये हो जाए, बॉर्डर ये हो जाए, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाए, ठीक है, जब हावर आए तो उसका कलर इस तरह का हो जाए, जब हावर डाउन हो तो उसका कलर इस तरह का हो जाए, जब वो क्लिक हो तो कलर ये हो जाए, यानी कि पूरा थीम की डिटेल जो है ना वो इधर डिफाइन करके वो वाली फाइल जनरेट करके वो मुझे देगा। नो डाउट इस पे भी टाइम बहुत लगता है, क्योंकि ये चीजें सोचना, ठीक है, कलर चूज करना, अभी अभी तो सिर्फ हमने डिप पे काम किया है, कितनी ज्यादा ऐसी चीजें हैं, स्पैन है, पी का टैग है, ठीक है, इनपुट का टैग है, टैग सारे आप लोगों ने देखे हैं, उन सारे टैग्स पे वो काम करेगा। अब कौन सा टैग किस लिहाज से उस थीम में प्रॉपर आएगा वो उसकी स्टाइल डिफाइन करेगा यहाँ, फिर वो सीएसएस ये मुझे देगा, ठीक है, और हो सकता है वो एज अ डेमो मुझे एक एचटीएमएल पेज भी बना के दे कि भाई अगर आपने ये वाला लगाना है तो ये वाली क्लास यूज करना उसके ऊपर, अगर इन्हें यानी कि बटन लगाना है तो ये वाला फंक्शन सॉरी क्लास यूज करना, अगर ये यानी कि डिव का टैग लगाना है तो ये यूज करना, तो इस तरह करके ना लोगों ने बहुत काम किया हुआ है इस पे, कोई भी कस्टम काम आप करवा सकते हो बेस्ड ऑन सीएसएस, क्योंकि अगर देखा जाए ना एंड यूजर के लिए तो फ्रंट एंड ही सब कुछ है, उसे नहीं पता बैक एंड पे कितनी कोडिंग इंप्लीमेंट हुई भी है, कितना बिजनेस लगा हुआ है, ठीक है, कितनी लॉजिक इंप्लीमेंट हुई भी है, उसे नहीं पता। फ्रंट एंड यूजर के लिए एंड यूजर के लिए सिर्फ फ्रंट एंड ही सब कुछ होता है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंपनीज चाहती हैं कि उनका जो फ्रंट एंड है ना वो लुक वाइज सिंपल हो, डिसेंट हो, ठीक है, और अट्रैक्टिव हो, ठीक है, तो इसलिए ये मैं कहता हूँ कि ये एक सेपरेट फील्ड है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की एक सेपरेट फील्ड है जिसमें वो HTML, CSS और JavaScript को कवर करते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो बंदे क्रिएटिव माइंड होते हैं, यानी कि इसमें आपने देखा होगा कि इसमें सिर्फ कह लो कि मेमोराइज करना, हमने सारा चीजें रटा है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बेस्ड ऑन कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो रही हो, ठीक है, सारी चीजें हमने मेमोराइज की हैं इस, तो इसलिए अगर कोई समझता है कि भाई हाँ मैं जो ना डिजाइनिंग में अच्छा हूँ, मैं थीम अच्छे डिजाइन कर लेता हूँ, इमेजेस अच्छे बना लेता हूँ, कलर कम्बिनेशन अच्छे चूज कर लेता हूँ, कलर के जो कंट्रास्ट है वो मेरे कंसेप्ट अच्छे हैं, तो वो जो है ना फिर इस चीज को करे यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह जो है ना यानी कि हमारे पास बहुत सारे यानी कि थीम अवेलेबल होते हैं, उन्हीं में से जो है ना जो फेमस थीम है ना, एक सबसे बड़ा जो फेमस थीम है वो है बूस्टैप। अब बूस्टैप क्या है, आप लोगों को फौरन समझ आ गई होगी बात की, कि बूस्टैप एक ऐसी क्लास है जिसमें हमारे कह लो के अच्छे डिजाइनर ने या फ्रंट एंड डेवलपर ने ये सारा कोड लिखा हुआ है, कि बूस्टैप से आप, अभी तो हमने ये डिसाइड किया ना कि यहाँ पे कलर ये हो, स्टाइल ये हो, बॉर्डर ये हो, क्या नाम है उसका, मार्जिन इतना हो, पैडिंग इतनी हो, ये अभी हमने डिसाइड किया है, बूस्टैप ने पूरे का पूरा थीम हमें दिया हुआ है, ठीक है, अब बूटस्ट्रैप के मदद से ये कह लो कि हमारा फ्रंट एंड का काम तो 80% तो काम हो गया ना अगर हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, तो इसलिए जो है ना यानी कि एक ये बूटस्ट्रैप है, जो दूसरा मैंने सबसे फेमस यूज किया हुआ है वो है फाउंडेशन। बूटस्ट्रैप तो अभी मैं आपको यूज करना सिखाता हूँ,
इसी तरह करके एक एक है फाउंडेशन, एक ये है, ठीक है। जो बूस्ट ऐप है वो आई थिंक ट्विटर वालों ने बनाया हुआ है, यानी कि ट्विटर वालों ने वो अपने यानी कि ट्विटर के लिए बनाया था। तो उन्होंने जो है ना उसको क्या किया कि भाई कहा कि भाई पब्लिक भी यूज करे इसे, कोई हमें इशू नहीं है। तो उन्होंने इस बूस्ट ऐप को क्या कर दिया, क्या कहते हैं इसे, ओपन सोर्स कर दिया, ठीक है, कि भाई हमें कोई इशू नहीं है, कोई भी इस थीम को जो है अपने पास यूज करे। तो बूस्ट ऐप सिर्फ इतना ही है। बूस्ट ऐप क्या है, एक क्लास है बस, जिसके अंदर पूरा थीम इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। सेम फाउंडेशन भी सिर्फ एक क्लास है जिसके अंदर पूरा थीम इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इवन के हमारी भी कंपनी जिधर मैं काम कर रहा हूँ, ये अपने थीम खुद लिखती है, ये यानी कि डिपेंडेंट। अब इसका खुद लिखने के फायदे भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों लिखती हैं खुद हम, और इस यानी कि बूटस्ट्रैप अगर हम यूज करेंगे उसके यानी कि क्या क्या लोग के लिमिटेशंस क्या है हमारे पास। अब ये इसी तरह फाउंडेशन है, ठीक है, इसी तरह और भी होंगे बहुत सारे, हजारों में है ये चीजें ना। तो लेकिन मैंने जो दो पे काम किया हुआ है वो इन दो पे काम किया हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इन दोनों में से किसी को भी थीम को चूज करोगे तो थोड़ी बहुत उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है, कि भाई वो अपने स्टैंडर्ड कैसे बताता है कि कैसे हम इसको यूज करें, वो जानना जरूरी है, ठीक है। अब इन दो चीजों को यूज करने के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं बूटस्ट्रैप यूज करने लगा हूं, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए मेरे पास दो वे हैं यूज करने के। एक तो ये है कि मैं डायरेक्ट इंटरनेट पे जाऊं, ये वाली फाइल को डाउनलोड करूं, ये वाली फाइल को अपने सिस्टम पे रखूं, या ऐसी लोकेशन पे रखूं जो लोकेशन उस एप्लीकेशन के लिए एक्सेसिबल है, ठीक है, यानी कि उस पर कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं देगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं वो लोकेशन जो है वो अमार के सिस्टम, यानी कि कॉपी जो है मैं अमार के सिस्टम पे बना दूं और अबू जर जो है वो उस पर अपने कंप्यूटर पे वो प्रोजेक्ट कर रहा है और अमार का सिस्टम जो है वो अबू जर के सिस्टम के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ऐसे सिस्टम पे रखूँ जो असेसिबल है उस प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये है, जो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों के लिए अब मुश्किल है, कि सिंपल आप वो फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करो, बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल वहां पे रखो और जिस तरह ये मैंने यहाँ पे पाथ दिया है उस तरह ये पाथ दे दो आप उसका। जो दूसरा तरीका है ना वो है सीडीएन, ठीक है। अब ये सीडीएन क्या है, अच्छा बूटस्ट्रैप के भी ना देखो इस तरह वर्जन आते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब आजकल वैसे 5 चल रहा है, ठीक है। अब ये मैं इस पे भी डिस्कस कर लूंगा बूटस्ट्रैप मिनी क्या है और फुल क्या है, लेकिन वो खैर बाद में देखते हैं। अब ये सीडीएन क्या है, सीडीएन ये चीज है कि ये यानी कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना वो जो अब चीज इम्प्लीमेंट करती है ना, वो बजाय इसके कि वो अपनी यानी पूरी फाइल तो देती देती हैं, वो एक सीडीएन लिंक दे देती हैं। सीडीएन लिंक का ये फायदा होता है कि वो कहते हैं कि भाई बजाय आप इसको अपने सिस्टम पे रखो या किसी के सिस्टम पे रखो, आप जो है ना वो जो लिंक है ना सीडीएन का वो आप कॉपी करके उस जगह पे पेस्ट कर दो जहां पे आपने लिंक दिया है। यानी कि मैं वो वाला लिंक सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ना, मुझे तो ना ये फाइल डाउनलोड करने की जरूरत है, ना ये यानी कि फाइल को स्पेसिफिक लोकेशन पे रखने की जरूरत है, और ना वो स्पेसिफिक लोकेशन को यहाँ पे देने की जरूरत है। मैं सिर्फ यहाँ से सीडीएन लिंक दे दूंगा और वो फाइल ऑटोमेटिकली यानी कि कनेक्ट हो जाएगी उस वाली सीएसएस से। और यहाँ पे सीडीएन लिंक प्रेफरेबल क्यों है, उसकी रीजन ये है कि देखो आपकी ये जो वेब एप्लीकेशन चलेगी, ये जो हमने बनाए है यानी कि ये जो पेजेस बनाए हैं हमने ये वाले, ऑब्वियसली ये थ्रू इंटरनेट चलेंगे ना, जितनी भी वेब एप्लीकेशन है वो इंटरनेट के बगैर नहीं चलती, ये तो आप सबको पता है। जितने भी हमारे ब्राउजर हैं वो एप्लीकेशन चलाते हैं वो विदाउट इंटरनेट नहीं चलते। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, यानी कि सीडीएन कब नहीं लोड होगी, जब इंटरनेट नहीं होगा। तो जब इंटरनेट नहीं होगा तो आपकी अपनी एप्लीकेशन कौन सा लोड हो जाएगी, तो इस लिहाज से सीडीएन जो है ना कारामद है, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा सीडीएन का जो है ना डिसएडवांटेज है,
आप लोग वो डिसएडवांटेज सोच के बताओ कि क्या हो सकता है। अभी मैंने सारी आपको मैंने दिया ना चीजें क्लियर की हैं कि डाउनलोड फाइल करके तब क्या फायदे होंगे। अब ये सीडीएन का भी अगर तो क्लियर हो गया, अगर सीडीएन का दोबारा पूछना है क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ पे ये फाइल रखी होती है, मैं कहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मैंने अपना थीम बनाया है, बजाय मैंने लोगों को कि वो फाइल डाउनलोड करें। वैसे तो वो डाउनलोड कर सकते हैं सीडीएन के लिंक से भी, लेकिन मैंने एक फैसिलिटी कर दे दी है कि भाई मेरा एक श्वेब सर्वर के नाम से कंप्यूटर है, वो 24 घंटे एक्सेसिबल है और इंटरनेट पे एक्सेसिबल है, और वहां पे मैंने ये फाइल रख दी है। आप लोग बजाय इसके कि आप अपने पास वो फाइल को डाउनलोड करो, आपको मैं ये लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक को अपने पास उधर इंक्लूड कर लो, ये फाइल ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सेसिबल हो जाएगी जिस एप्लीकेशन में भी आप इसे यूज करोगे। तो ऑब्वियसली हर कोई ये प्रेफर करेगा कि भाई ये जब फाइल ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैं वही लिंक इसे देता हूँ इधर। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो सोच के बताओ कि क्या हो सकता है वो डिसएडवांटेज। नहीं माइंड में आ रहा है क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? शोएब भाई, ये तो नहीं हो सकता कि वो एक एक्सटर्नल सोर्स पे पड़ेगी और वहां से अगर फाइल वगैरह डिलीट होगी तो हमारा काम भी खराब हो जाएगा। मेरे मन में भी डिलीट हुई चल रही है। ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप चीज कह रहे हो कि फाइल डिलीट हो गई। वो अगर फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप हम यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप खुद यानी कि ट्विटर खुद बूटस्ट्रैप यूज कर रहा है, अगर वहां से डिलीट होगी तो ट्विटर सबसे पहले बैठ जाएगा एज पर डिजाइन एक्सपेक्ट। ये तो बहुत वर्स्ट केस सोच रहे हो ना आप, बहुत ज्यादा वर्स्ट केस। देखो मुझे पे एक प्रोजेक्ट मिला, मेरे क्लाइंट ने कहा कि भाई आप जो है ना बूटस्ट्रैप इसमें यूज कर सकते हो, मुझे जिस तरह के बूटस्ट्रैप के थीम है ना मुझे अच्छे लगते हैं, वो अभी भी आप भी देख लोगे वो थीम कैसे हैं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी मैं बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, बजाय इसके कि मैं फाइल डाउनलोड की और अपने पास उसे मैंने इंक्लूड किया, मैंने उस टाइप की उसका सीडीएन वहां पे दे दिया यानी कि यूआरएल दे दिया वहां पे। ठीक है, प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुल हो गया, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, उसको जो है ना यानी कि थोड़ा सा चुभन हुई, उसने कहा कि यार ये जो आपने बटन लगाए हैं ना इसका बॉर्डर जो है ना वो आप मुझे ब्लैक कर दो। अब बताओ मैं क्या क्या करना पड़ेगा अब मुझे? अब वो सीएसएस मेरे पास तो है नहीं, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जब भी हम किसी और का थीम अगर इस लिहाज से यूज करने जाएंगे, क्योंकि वो फाइल भी उनके पास पड़ेगी। अगर वो फाइल में अपने पास अभी में हम डाउनलोड भी करेंगे उस फाइल को, आप देखोगे कि वो इतने मुश्किल तरीके से लिखा होता है कि वो सिर्फ फ्रंट एंड का डेवलपर ही उसे जो ना पढ़ हम भी सकते हैं, समझ भी आएगी हमें, लेकिन उस फाइल को आल्टर सिर्फ फ्रंट एंड का डेवलपर ही कर सकता है, इतने मुश्किल अंदाज में उन्होंने लिखा होता है। वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि भाई कैसे, यानी कि सबसे बड़ा सीडीएन का जो यूज, ये सिर्फ सीडीएन के लिहाज से नहीं, कभी भी आप एक्सटर्नल किसी भी चीज को यूज करने जाओगे ना तो ये वाले लिमिटेशन सबसे पहले आपको फेस करनी पड़ेगी। कल को क्लाइंट ने कह दिया कि भाई मेरी अब रिक्वायरमेंट ये है, क्लाइंट को नहीं पता कि भाई इसके पीछे कितना काम हो सकता है सिर्फ उसकी छोटी सी रिक्वायरमेंट की वजह से। तो इसलिए जब भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं ना तो हम हमेशा सेफ साइट को प्रेफर करते हैं, और इसलिए मैंने आपको जो पहले अभी बात की थी कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन थीम्स पे ट्रस्ट करती नहीं है, वो अपने थीम खुद लिखती है ताकि कोई भी ऑल्टरेशन आ जाए तो वो इजीली खुद कर सके। अगर आप इवन के बूटस्ट्रैप की फाइल भी डाउनलोड करके अपने पास यूज कर लोगे या फाउंडेशन की फाइल भी अपने पास यूज कर लोगे डाउनलोड करके, नो डाउट उसमें आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या पता कि जितनी जिस तरह की फाइल उन्होंने लिखी होती है आपको क्या पता कि उसका एक ही जगह चेंज होना है या और भी बाकी जगह चेंज होना है, सिर्फ अगर बटन के अगेंस्ट अगर बॉर्डर हमने ड्रॉ करना है तो। ये थोड़े से हमारे पास डिसएडवांटेज हैं जो हमें होते हैं, बट स्टिल 90% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में बिल्ट इन थीम यूज होते हैं।
कहाँ यूज होते हैं? अब कोई छोटा प्रोजेक्ट है, अब जिस तरह मैंने अपने यानी कि वो फ्रेस्मो की साइट बनाई थी, ऑब्वियसली मैं निटी किटीज में नहीं जाऊंगा, मैंने डायरेक्ट बूटस्ट्रैप यूज की थी उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें बस यानी कि समझनी है हमें कि हमने किस लेवल पे क्या करना है, लेकिन ये आप लोगों का हेडिक नहीं है। अगर तो आप यानी कि बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो ये आपको टेंशन देते ही नहीं है कि भैया आप फ्रंट एंड पे काम करो। मेरे कितने ऐसे क्लीग हैं जिन्होंने जो है ना फ्रंट एंड पे काम किए हुए अरसा हो गया, सालों हो गए हैं, यानी कि 6 7 साल से ज्यादा हो गए हैं। रिसेंटली मैंने अभी एक अपने कुलीग से पूछा था, मैंने कहा यार तुझे फ्रंट एंड तो बिल्कुल भूल गई होगी, कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता फ्रंट एंड, क्योंकि वो हमेशा बैक एंड पे ही काम करता है, हमेशा 6 7 साल से वही काम करता है। लेकिन मैं यानी कि मेरा थोड़ा लेवल और तरह का है कि कोई भी इश्यू किसी भी लिहाज से कहीं पे भी आ जाए तो मैं फिर उसको जो है ना डीपली मैं मुझे जाना पड़ता है उसमें, तो इसलिए मुझे सब चीजों से टच है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो अभी हम जो है ना टोटली बूटस्ट्रैप को देखेंगे, ठीक है। और अगर कोई क्यूरी है तो वो अपने पास राइट डाउन कर लो, क्योंकि बूटस्ट्रैप यानी कि 15 से 20 मिनट में क्लोजअप हो जाएगी, तो उसके बाद हम क्यूरीज को डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो है ना मैं मीटिंग रिक्वेस्ट यानी कि 12:45 पे भेजता हूँ आप लोग, ठीक हो गया।